अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोग के साथ जो है मीठी टिकिया की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। इसके लिए जिन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है वो ये हैं। मैंने 2 कप मैदा लिया है, इसमें जो है 2 टेबल स्पून मैंने तिल लिए हैं, 1/4 टीस्पून जो है इसमें मैं बेकिंग पाउडर डालूँगी, 1/2 टीस्पून इलायची पाउडर लिया है, 1/2 कप खोपरा लिया हुआ है पिसा हुआ, 5 टेबल स्पून इसमें घी जाएगा, 1 कप चीनी और जो है ये 4 टेबल स्पून मैंने इसमें सूजी ली है। सबसे पहले मैं एक बॉल में और ये 1/2 कप जो है वो दूध लिया है। सबसे पहले मैं बॉल में जो है ये दूध डाल लूँगी और इसी के साथ इसमें चीनी डाल के इसको घोल लूँगी। ये चीनी जो है वो मैंने दूध में घोल ली है, मैं इसको एक साइड पे रख दूँगी। और सबसे पहले जो है ये जितने भी ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं वो सब मैं इसमें मिक्स करूँगी। इसमें मैंने अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया। मैं इसके अंदर ये जो चीनी घोली थी हमने दूध में, अब ये मैं इसको इसके अंदर ऐड कर दूंगी। इसको हम जितना अच्छा गूंदेंगे उतनी अच्छी टिकिया बनेगी। इसको जो है वो हमने गूंद लिया, मैं इसको तकरीबन 1/2 घंटे के लिए रख दूँगी ताकि इसमें सूजी भी अच्छे तरीके से फूल जाए। उसके बाद फिर हम इसकी जो है वो टिकिया बना लेंगे। ये जो है मैंने 1/2 घंटे के लिए रखा था, ये 1/2 घंटा हो गया है, इसको ढककर रखना था। अच्छा, ये इतना अच्छा हो गया है। मैंने एक साइड पर जो ऑयल है उसको गर्म करने के लिए रख दिया है। अच्छे तरीके से गरम करके मीडियम फ्लेम पर जो है हम इसको पकाएंगे। और जो है इसके साथ ही अब हम इसके जो है वो पेड़ा बना लेंगे इसका। इसपे मैं थोड़ा सा जो है वो ऑयल लगाऊंगी, इसको इस तरीके से रख के। मैं अब बेलूंगी, ये थोड़ा मोटा बेलेंगे इसको। ये मैंने थोड़ा छोटा ही पेड़ा बनाया था तो उस हिसाब से इतना ही बड़ा हुआ है, क्योंकि मुझे इसके थोड़े मोटा रखना है। इसके बाद आप कोई ढक्कन या कोई भी ऐसी चीज ले लें जिससे आप इसको इस तरीके से कट कर सकें। जितना भी एक्स्ट्रा इसको हम हटा लेंगे। और इसको अब हम फ्राई कर लेंगे। ऑयल जो है वो गरम हो गया है, हम एक एक करके टिकिया को इसमें डालते जाएंगे। जब ये गोल्डन ब्राउन हो जाएगी, इस पर अच्छा सा कलर आ जाएगा, तो फिर हम इसे इसमें से निकाल लेंगे।
है वो बहुत ही खूबसूरत सा कलर आ गया है। अब हम इसे जो है इसमें से निकाल लेंगे। टिकिया जो है वो रेडी है। अगर आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियोस को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो इंशाल्लाह ताला हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट रेसिपी के साथ। ओके, अल्लाह हाफिज़।